आज हम जानेंगे एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक रिम झिम कक्षा एक में छपी पाठ दो पर आम की कहानी। लेकिन इस आम की कहानी में कुछ बहुत ही अलग बात होने वाली है, और वो क्या है? वो ये है कि यह कहानी है एक चित्र कथा। अब आप सोच रहे होंगे, ये चित्र कथा क्या होती है? कथा तो कथा होती है, ये चित्र कथा क्या है? चित्र कथा एक ऐसी कथा होती है जिसको जानने के लिए हमें किसी शब्द या किसी अक्षर की जरूरत नहीं होती। उसमें बने चित्र ही काफी होते हैं अपनी कथा बताने के लिए। तो हमें उन चित्रों को देखकर कहानी को खुद ही बुनना होता है। हमें देखना होता है इस कहानी में क्या हो रहा होगा। चलिए देखते हैं और मजे लेते हैं आम की कहानी के। तो पहले इस चित्र में अगर हम देखें तो कौन कौन नजर आ रहा है? भाई, मुझे तो यहाँ नीचे खड़ी एक लड़की बड़ी बड़ी आंखें करके आम की तरफ दिखती नजर आ रही है, और उसी से थोड़ा सा दूर देखूं तो यहाँ मुझे एक कौवा नजर आ रहा है जिसकी नजरें भी हैं किस पर? आम पर। ये कौवा भी आम की तरफ खूब देख रहा है बड़ी बड़ी आंखें कर कर, और पेड़ पर टंगा है सिर्फ एक ही आम। दोनों ही आम को देख के बड़े खुश हो रहे हैं। क्या लगता है, क्या सोच रहे होंगे? मुझे तो लगता है लड़की सोच रही होगी, अरे वाह, इतना मजेदार, इतना पीला पीला आम, ये तो मैं ही खाऊंगी, जरूर बहुत मीठा होगा। और वही कौवा सोच रहा होगा, अरे वाह, ये आम तो बड़ा ही पका हुआ नजर आ रहा है, बस मिल जाए तो आज तो दावत ही हो जानी है। क्या लगता है आपको, क्या सोच रहे होंगे ये लड़की और ये कौवा इस आम के बारे में? और आगे देखते हैं कि क्या होता है। लड़की आम को देखकर खुश हो ही रही होती है कि शायद इसने किसी को अपने साथ बुला लिया है गुलेल के साथ। क्या लगता है, ये धारियों वाली, काली धारियों वाली शर्ट पहना लड़का कौन है? क्या तो ये इस लड़की का कोई दोस्त हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, या इसका कोई भाई हो सकता है? और ये लड़की इशारा करते हुए दिखा रही है इस लड़के को आम, और शायद वो इससे कह रही होगी इस वक्त कि जल्दी से अपनी गुलेल उठाओ और मुझे तोड़ के दे दो, ये आम बड़ा मजेदार लग रहा है। और वहीं ऊपर बैठा एक डाली पर कौवा भी नजरें जमाया हुआ है आम की तरफ। क्या लगता है किसको मिलेगा ये आम? लेकिन सोचने वाली बात है, ये कौवा उड़ के आम क्यों नहीं ले रहा? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं ले रहा होगा? क्या पता आम को पेड़ पर से तोड़ना इस कौवे के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा हो, और ये बैठा हो इस इंतजार में कि कब ये लड़की का दोस्त या उसका भाई अपनी गुलेल से इस आम पर निशाना लगाए और मैं आम लेकर खिसक लूं। चलिए देखते हैं क्या ऐसा ही होता है, या फिर आम मिल जाता है लड़की को। तो ये लगाया लड़के ने गुलेल उठाई, निशाना साधा, कैसे एक आंख बंद करके अपने निशाने की तरफ ध्यान लगाया, और लड़की उसे देखकर खुश हो रही है। कौवे की भी नजरें इस धारियों काली धारी वाली काली धारी की शर्ट वाले लड़के पर जमी है कि अब ये गुलेल से पत्थर निकला और निशाना लगा, और ये क्या, कौवा फौरन उड़ा, और उसने क्या किया, ये उसने आम लपका, और नीचे खड़े लड़की और लड़का बड़ी बड़ी आंखें करके बस कौवे को देखते रह गए। अरे ये क्या हुआ कौवे के साथ? कौवा आम लेकर जा ही रहा होता है कि वो किससे टकरा जाता है? वो टकरा जाता है एक मधुमक्खी के छत्ते से। ओहो, अब तो ये मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया है। क्या लगता है, अब
क्या होने वाला है? क्या ये कौवा आम लेके फरार हो जाएगा, या फिर ये आम भी उसके साथ ना रहेगा? अरे ये क्या, मधुमक्खियों ने ले लिया कौवे का पीछा और उनसे बचने के लिए कौवे ने गिरा दिया आम को टप 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 करके अपने घोंसले में। और घोंसले के पास कौन नजर आ रहा है? अरे हाँ, ये तो है कुटकुट गिलहरी। उनकी तीनों की नजर भी है किस पर? घोंसले में आ गिरे हुए आम पर। तीनों ही नजर लगाई बैठी हैं आम पर। क्या लगता है ये आम अब किसे मिलेगा? क्या ये गिलहरियां इस आम को लेकर चली जाएंगी, या फिर कौवा वापस अपने घोंसले में आएगा मधुमक्खियों से बचने के बाद? देखते हैं। अरे 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 अरे, ये तो गिलहरी आई, फुर्ती से आम उठाया और उसे लेकर भाग ही रही होती है कि अचानक से अंडों से निकल आते हैं कौन? छोटे छोटे कौवे के चूजे। और उनकी आवाज से, काव 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 की आवाज से अचानक डर जाती है ये गिलहरी और उसके हाथ से छूट जाता है ये आम। अब ये आम कहाँ जाएगा, किसको जाके मिलेगा? क्या ये नीचे जमीन पे गिरकर खराब हो जाएगा, या फिर लग जाएगा किसी और के हाथों? चलिए देखते हैं। ये आम गिरा 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 गिरा, टप 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 टपाक। ये कहाँ के गिरा है आम? ये कौन सी जगह लग रही है जहां ये आम आकर गिरा है? ये पेड़ के नीचे किसी ने, क्या ये कोई बिस्तर लगा रखा था, या ये क्या है? ये पोटली सी दिख रही है कुछ, क्या लगता है क्या है ये? चलिए देखते हैं। अरे पेड़ के नीचे सोया था एक आदमी बड़ी सी पगड़ी वाला, और उसकी पगड़ी पे टपाक करके गिर जाता है आम। और लड़की और लड़का देखकर खुश हो रहे हैं, और लड़की तो इशारा करके भी दिखा रही है, वो देखो नीचे आ गिरा आम। और वहीं दूर उड़ते हुए कौवे की आंखें बड़ी बड़ी हुई। अरे ये क्या, मेरा आम गया, क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का? और नीचे बैठे दो खरगोश भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं आदमी को। लेकिन आदमी क्या कर रहा है? आदमी बेचारा दुनिया से मगन सो रहा है। उसे तो मालूम भी नहीं कि उसकी बड़ी सी पगड़ी पर ऊपर से आम आ टपका है, जिसे पहले लड़की और लड़के से कौवे ने चुराया, फिर उसको गिलहरियों ने उसके घोंसले से चुराया। अब देखते हैं इस आम का आखिर होता क्या है, किसको मिलता है ये आम? अरे ये तो लड़की के हाथ में आ गया आम। लगता है आखिरकार लड़की को आम मिल ही गया। लड़का अपनी गुलेल को देख के मन ही मन खुश हो रहा है। अरे वाह, मेरी तो मेहनत सफल हुई, आखिरकार मेरी दोस्त या मेरी बहन, ये लड़की जो भी है उसकी, उसको आम मिल ही गया। और ऊपर से बेचारी गिलहरी और कौवे के बच्चे आम की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ये आम आज हमें नहीं मिला, ये लड़की के लिए ही बना था। और इसी के साथ खत्म हुई हमारी कहानी। मुझे तो कहानी कुछ इस प्रकार लगी। क्या चित्रों को देखकर आपके अनुसार कहानी कुछ और होनी चाहिए थी? क्या लगता है आपको? इस कहानी के चित्रों को एक बार फिर से देखिएगा और सोचिएगा, क्या आपके लिए कहानी ऐसी है, या आपको लगता है कहानी में कुछ और हुआ होगा? इस चित्र कथा का यही तो मजा है कि इन चित्रों को देखकर हम एक ही कहानी को कई अलग अलग तरीकों से बुन सकते हैं, क्योंकि इनके साथ ना तो कोई शब्द जुड़े हैं ना ही कोई वाक्य। तो इस कहानी को हम जैसे चाहें, जिस तरह चाहें, उस तरह से बुन सकते हैं।
तो मुझे ये कहानी कुछ और नजर आ रही होगी, शायद आपको कुछ और नजर आए, या मेरे घर वालों को ये कहानी के चित्र देखकर ही कुछ अलग ही कहानी नजर आए। आप इस कहानी को देखिएगा और बुनिएगा जरूर, और अपने घर वालों और अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, उनसे भी पूछिएगा कि इस चित्र कथा में उन्हें क्या लगता है, क्या हो रहा है। आप इस कहानी को देखिएगा और हम जल्दी मिलेंगे दोबारा किसी और मजेदार कहानी या फिर किसी किस्से या फिर किसी एक नई चित्र कथा के साथ। तब तक आप अपनी इस चित्र कथा आम की कहानी को अपने दोस्तों को दिखा के उनसे इस कहानी को बुनने को कहिए और खुद भी बुनिएगा जरूर। चित्र अपने दोस्तों को भी दिखाना और उनसे भी पूछना